और सहाबा कराम जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते तो अल्लाह के नबी को गौर से देखते रहते। मैंने पहले भी कई मरतबार किया, टिकटिकी बांध कर, हदीस का मफहूम है कि टिकटिकी बांध कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते रहते। जब सहाबा हजूर की सोहबत में बैठते तो सहाबा की निगाहें हजूर के चेहरे से हट कर न इधर जाती न इधर जाती, वो टिकटिकी बांध कर हजूर के चेहरे को देखते रहते। और आशिकों की सहाबा कराम की हालत इश्क में यही नमाज होती, हालत इश्क में यही नमाज होती। अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना ये नमाज थी तेरी। सहाबा कराम और आशिकों की यही नमाज है, किसी को देखना, किसी को देखना यानी अल्लाह और उसके रसूल को देखना, ये आशिकों की नमाज है। उलमा की नमाज यही है जो हम जिसके अंदर कयाम भी है, रुकू भी है, सजदा भी है, तशद भी है, हदीसों से साबित है नमाज फर्ज है। लेकिन इस नमाज की हिकमत को तो समझिए, इस नमाज के राज को तो समझिए।